भी देखते, तेरे साथ भी सेल्फी खींचते, मगर तूने जिसने बनवाया उसको तो बनाने ही नहीं दिया अपने आप को, इसीलिए तू जमीन पे पड़ा है और मैं यहाँ पे हूँ। तो इसका उदाहरण जब हम अपने आप के लिए लेते हैं, आज का टॉपिक ही है, अगर आप यह सोचते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हम हमेशा सोचते हैं ना इसकी वाह वाह होती है, उसकी वाह वाह होती है, मेरी क्यों नहीं तारीफ होती है, मेरे को क्यों नहीं कमेंट्स देते हैं, मेरे बारे में लोग तुच्छ क्यों बोलते हैं, मेरे को क्यों हमेशा गलत बोलते हैं, हम हमेशा सोचते हैं ना। तो वो उदाहरण हम हमारे ऊपर लेंगे तो जैसे परमेश्वर हमें बनाना चाहता है उस टाइम पे, अगर देखो अभी हमने बोला प्रभु को, प्रभु मैं बहुत झगड़ालू हूँ, मुझे मेरे साथ ना ये मुझे नहीं चाहिए, ये तू मेरे अंदर से निकाल दे, तो प्रभु तुरंत सुन लेता है और उसका जवाब हमें देता है। ऐसा भी प्रभु से हमने मांगा और प्रभु ने क्या ऐसे बोला, हाँ तेरे को आशीष मैंने दे दिया, तो क्या प्रभु क्या ऐसी पोटड़ी बांध के हमारे सर पे फेंक के मारने वाला है कि ये ले तेरा आशीष मैंने तुझे दे दिया है, ऐसा नहीं होता है ना। परमेश्वर क्या करता है, हमने अभी प्रभु से मांगा है झगड़ा नहीं करने का, झगड़ा नहीं करने का इसका मतलब हमें क्या बनना है, नम्र बनना है, और हमें नम्र बनना है कैसे देखेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा, वो झगड़े की सिचुएशन हमारे सामने हरदम लाएगा और परखेगा कि उसमें हम झगड़े का प्रॉब्लम हमारे सामने हमेशा आएगा और देखेगा प्रभु की इस बार ये झगड़ा करता है क्या। तो हमें देखना है कि ये परमेश्वर हमें परखने के लिए भेजा है या हमें कुछ करने के लिए भेजा है। तो अभी हमें समझना है कि प्रभु से मैंने प्रार्थना की थी और प्रभु मेरे को इस गंदगी में से निकालना चाहता है, यानी कि हमें तराशना चाहता है। तराशे बिना कोई भी इंसान ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकता है, हमेशा उसके जीवन में परीक्षाएं होती है, उसको तराशा जाता है, जैसे वो मार्बल को तराशा, लोग उसको नवाजते हैं, सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उसके साथ सेल्फी खींचते हैं। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, कभी कभी कोई कोई क्या करता है, प्रभु से मांगते कोई वचन सामने आता है तो बोलते हैं अरे ये तो वचन मेरे लिए ही था, मैं ऐसी गलत चलती हूँ, प्रभु मैं अभी से नहीं चलूंगी ऐसा, ऐसे बोलते हैं। फिर प्रभु हमें सोचता है कि अरे वाह मेरी बेटी तो सुधर गई, अभी मैंने तो इसको आशीष दे दी है। मगर हमें आशीषित होने के लिए जो हमने मांगा है, अभी देखो मैंने बोला ना कि परमेश्वर ने हमें दे दिया तो परमेश्वर कोई पोटड़ी बांध के नहीं देगा या बाल्टी भर के ला के हमारे सर पे नहीं डालेगा कि ये आशीष तुमने मांगी है और ये ले लो हम तुमने दे दिए। ऐसी सिचुएशन सामने लाएगा कि जो बात हमारे अंदर कमी है उसके लिए हमने प्रभु से मांगा है तो वो सामने बात हमारे आएगी बार बार, तभी हमें समझना है कि हमने जो परमेश्वर से आशीष मांगी थी वो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। तो ये सिचुएशन में हमें क्या करना है, स्थिर रहना है, उल्टा जवाब नहीं देना है, झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, दोष नहीं लगाना है। तो हमें परमेश्वर जब तराशता है, जब हथौड़े और छन्नी लेके खड़ा रहता है, तभी हमें नम्रता से पेश आना है। अभी देखो वचन के द्वारा हम देखेंगे यशया का, रोमियो का 8वां अध्याय और 18वां वचन क्या कहता है देखेंगे, वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे व्यवहार करता है, परमेश्वर हमें कैसे संभालता है, परमेश्वर हमें कैसे सिखाता है, हम ये वचन के द्वारा देखेंगे। रोमियो का 8:18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। देखो वो स्टैचू रात को बात करता है, वो मार्बल जमीन पे पड़ा हुआ वो बात करता है कि तेरे को ही कोई उतना चाहते हैं लोग, तो स्टैचू बोलता है ना कि मैं इसलिए चुप रहा कि मैं तराशा जाऊंगा, अच्छा बनाया जाऊंगा, तभी लोग मुझे देखेंगे। यानी कि जैसे परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, जब हम वैसे बन जाएंगे तो ये अभी बना रहा है उसमें से दुख में संकट में दुख में संकट में क्लेश में हम जब चलते हैं तो ये दुख कुछ भी नहीं है, जब हम परमेश्वर हमें ऊंचाई पे ले जाता है। ये वचन के द्वारा बताया है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश और इस महिमा के सामने जो कुछ हम पर प्रकट होने वाले है कुछ भी नहीं है। कितने भी दुख आए, संकट आए, लोग हमें ताने मारे, लोग हमें बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, हमें वो नहीं देखना है क्योंकि उसमें से हमें परमेश्वर निकालने वाला है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे काम करें,
अच्छा करे, जो कुछ भी है हमारे से जितना बन पड़े वो अच्छा ही करे, क्योंकि परमेश्वर हमें ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है, परमेश्वर हमें तराशना चाहता है। तो यशायाह का 64 अध्याय का 8वां वचन देखेंगे, 64 अध्याय का 8वां वचन देखेंगे। तो भी है यहोवा तू हमारे पिता, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन 64:8, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है। अभी कुम्हार कितने जनों ने देखा है कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो मिट्टी जमा करता है, वो उसमें से सब पत्थर निकाल देता है, उसको एकदम स्मूथ बनाता है। तो मिट्टी कंकर निकालने के लिए क्या ऐसे 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 नहीं करता है ना, कितने अच्छे से देखता है, ढूंढता है, निकालता है बारकाई से, फिर वो मिट्टी को बनाता है, फिर वो एक चक्का रहता है उस पर उसको